हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ अबाउट पेट्रोल पंप का साइज, प्लॉट साइज ऑफ द फ्यूल स्टेशंस। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि मैं जो प्लॉट साइज होता है वो फ्यूल स्टेशंस का, उसके बारे में भी हमारे लोगों के हम सब की थोड़ी बहुत क्यूरीज होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्लॉट साइज हैं वो डिफरेंट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द एरिया होते हैं। तो उसमें भी मतलब जो साइज़ होते हैं उसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं, जो मतलब हम लोगों को उस समय जब पंप लगाते हैं तो हमें पता नहीं होता, बट फ्रेंड्स हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिमम साइजिंग क्या होता है। मिनिमम जो हम मिनिमम हमें इतना रखना होता है रूलर के लिए, फ्रेंड्स जो मिनिमम साइज़ होता है वो 35 मीटर फ्रंट और 35 मीटर का बैक, हमारा 35x35 होता है। और हमारा अर्बन के लिए 30 मीटर x 30 मीटर, फ्रेंड्स 30 का हमारा फ्रंट रहेगा और 30 की हमारी डेप्थ रहेगी। और हिली एरिया के लिए हम मिनिमम 20x20 मीटर्स, तो हिली एरिया के अंदर हमें मिनिमम 20x20 मीटर्स का होता है हमारा क्राइटेरिया। बट आप सब सोचते होंगे कि ये सब चीज़ें तो हमें भी पता है, बट फ्रेंड्स मेजर थिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रूलर्स का है 35x35 है, वो मिनिमम क्राइटेरिया है। बट इसमें हम थोड़ा बहुत मिनिमम तो हमारा यही रहेगा बट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फ्रंट, अगर हमारी लैंड का फ्रंट हमारे पास मिनिमम 35 ही है बट हमारे पास डेप्थ है वो 45 की है, तो यू कैन यूटिलाइज़, अगर आप यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो आपका पंप अगर थोड़ा बहुत बड़ा होगा और डेप्थ अच्छी होगी तो गाड़ी को मूवमेंट में इजी रहेगी, तो आप उस लैंड को यूज़ कर सकते हैं। वो जो चीज़ें हैं वो जब आप अपना मैप अपने आर्किटेक्चर के साथ जब LOI के टाइम पे देते हैं तो दैट थिंग्स, ये चीज़ उस समय बहुत मैटर करती है। तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम 35x45 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंड जिस अकॉर्डिंग होती है तो आप उसका मतलब रख सकते हैं। आप अपना अगर आपके पास फ्रंट भी ज़्यादा है तो 40 मीटर्स का फ्रंट भी आप रख सकते हो, बट मिनिमम क्राइटेरिया 35, जिस जो ये मिनिमम बताया है मैंने, आप साइड्स आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। और आई होप मैं चेंजेस करनी भी चाहिए, ये ना हो कि पंप लगने के बाद आपको महसूस हो, बट उस समय आप अपने आर्किटेक्चर को ये एडवाइस दे सकते हो कि मुझे थोड़ा बहुत जो मैप में है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ही सेम अर्बन और हिली एरिया के अंदर भी है, वो अकॉर्डिंग टू योर लैंड, अगर आपके पास लैंड ज़्यादा है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जब आप अपने ड्राइंग प्रिपेयर करवा रहे हैं तो उस समय डेफिनेटली यू थिंक अबाउट कि जो आपकी लैंड की सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली यू कैन चेंज, जो आपको सूटेबल रहे फ्यूचर में, आपको बेटर रहे, आपका पंप अच्छा लगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आप मतलब कंसीडर करें। और ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि मेरे पास तो लैंड थी बट मुझे चेंज नहीं कर सकता। बट वंस इसमें ये होता है क्योंकि जो हम अपने LOI में एक बार मैप अगर पुट कर देते हैं तो आफ्टर दैट उसके बाद हमें चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें हमारी हर डिपार्टमेंट से फ्लैक्चुएट हो चुकी होती हैं, वही साइजिंग, उसके बाद उस साइजिंग के अकॉर्डिंग ही हम अपनी फ़ीस वगैरह भरते हैं, तो बाद में चेंज करना फ्रेंड्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें फर्स्टली हमें उस समय बहुत कम नॉलेज होती है और उस समय हम ये कर नहीं पाते, बाद में हमें लगता है कि हमारा ऑफिस बड़ा हो सकता था, ये हो सकता था। तो आप उस समय अपने जो डिज़ाइन में रखना चाह रहे हैं तो वो ऑफिस है, जैसे रूम्स होते हैं ऑफिस के वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर फ्रेंड्स, जब आपका मैप डिज़ाइन हो रहा होता है। आर्किटेक्चर आपको नहीं बताएंगे ये सब चीज़ें, वो कॉपी पेस्ट रखते हैं और वो आपको पुट ऑन करेंगे, तो बट अपना खुद का माइंड यूज़ करके आप ये पॉसिबल है, आप ये कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था अबाउट प्लॉट साइज ऑफ फ्यूल स्टेशंस और अबाउट थोड़ा बहुत आप क्या चेंजेस कर सकते हैं बाद में जो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आप देखते रहिए, मैं अपनी अदर वीडियोज़ के अंदर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे फ्रेंड्स उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मेरे पास जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता रहूँगा। और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मतलब, अभी तो ये हमारा स्टार्टअप है फ्रेंड्स,
जो मतलब आप पंप लगाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने डिपार्टमेंट्स की एनओसी लेनी होती है, ये सब चीज़ें हम अपनी वीडियो में वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। हर डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको बताऊँगा वन बाय वन क्या प्रोसेस रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।